सो श्री अकाल की हालचाल, कैसे हैं आप सभी। सो गाइज वेलकम है आपका मेरे सेकंड व्लॉग के अंदर। तो गाइज यार आज मम्मी जो है बहुत ज़्यादा कपड़े दे गए थे धोने के लिए। अभी तो यार मैं कपड़े इकट्ठे कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं मैं तुम लोग को दिखाता हूँ कि भाई कितना ज़्यादा ढेर लग रखा है कपड़ों का। यार तुम लोग देख के बिल्कुल हैरान हो जाने वाले हो। तो चलो गाइज यार मैं पहले कपड़े इकट्ठे कर लूँ, फिर आप लोग को दिखाता हूँ। सो गाइज यार मैं हूँ अपने किचन में और पीछे आप लोग देख सकते हो सामान वगैरह रख रखा है। और यार जैसे कि मैंने तुमको बोला था कि कपड़े इकट्ठे हो जाने के बाद मैं तुमको दिखाने वाला हूँ कि कितने ज़्यादा कपड़े हैं धोने के लिए। सो गाइज ये देखो भाई, ये कुछ इतने कपड़े हैं धोने के लिए भाई। ये पूरा पहाड़ जैसा खड़ा हो रखा है। बाहर हमारी मशीन चल रही है, मशीन में धोएंगे हम लोग भाई, हाथ से तो मेरे बस के बाहर है धोना। सो गाइज यार जब तक कपड़े धुल रहे हैं आप लोग सिनेमैटिक शॉर्ट्स जो हैं इन्जॉय करो। सो गाइज यार अभी जस्ट कपड़े धो के फ्री हुआ हूँ और जस्ट अभी सांस लेने के लिए बैठा ही हूँ भाई। बुरे हाल हो गए यार गाइज कपड़े धो धो के। अब थोड़ी देर में चावल बनाने वाले हैं, तो गाइज थोड़ी देर में चलेंगे चावल बनाने। सो गाइज मैं आ गया हूँ किचन के अंदर जहाँ पे अभी हमको चावल बनाने हैं। और गाइज सामने कुकर पड़ा है, ज़्यादा मेरे को कुछ करने का है नहीं, मम्मी सब करके चले गए थे, बस मेरे को गैस ऑन करनी है। तो चलो गाइज जल्दी से गैस ऑन कर लेते हैं। सो गाइज यार आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो। और यार इसमें अगर थोड़ी बहुत कमियां होंगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम से आपके लिए इम्प्रूव करके कंटेंट लेकर आऊँ। और साथ ही मैं गाइज आपको जैसा भी कंटेंट देखना पसंद है आप लोग वो चीज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगा कि आपके पसंद का कंटेंट मैं ज़रूर से बनाऊँ। सो गाइज टिल देन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।